जिले में जुआ सट्टा जैसे अवैध क्रियाकलापों में लिप्त अपराधियों की धरपकड़ व तत्परता के साथ उन पर अंकुश लगाने हेतु प्राप्त निर्देशों के अनुरूप जिले की पुलिस टीम लगातार कार्यरत है। इसी तारतम्य में SDOP ब्यावरा किरण अहिरवार के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी ब्यावरा, सिटी निरीक्षक राज्यपाल सिंह राठौर एवं उनकी पुलिस टीम ने सट्टा व्यवसायी अनिल अवस्थी के अड्डे पर दबिश देकर मशरूका जब्त किया है। दिनांक 9 सितंबर 2021 को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि अनिल अवस्थी अपने घर के सामने किराए के मकान में रुपये पैसों से सट्टे का अवैध कारोबार चला रहा है। सूचना पर सर्च वारंट प्राप्त कर और फोर्स को साथ लेकर मौके पर पहुंचकर दबिश दी गई तो अनिल अवस्थी पुलिस को देखकर मकान से कूद कर भाग गया। साथ ही बाकी 12 लोग मौके पर मिले जिन्हें पकड़ लिया गया और कुल 80,000 रुपए की सट्टा लिखा पड़ी होना पाया गया है। आरोपियों का कृत्य धारा 4 क ध्रुत क्रीड़ा अधिनियम धारा 109 भादवी के तहत दंडनीय पाया जाने पर नकदी मोबाइल फोन व सट्टा उपकरण पर्ची डायरियों को विधिवत मौके पर जब्त किया गया है एवं आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। फरार आरोपी अनिल अवस्थी की तलाश की जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा लगातार आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने हेतु सभी थाना प्रभारियों को लोगों को निर्देशित किया जाता है। इसी तारतम्य में कल पुलिस को मुंबई द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि अनिल अवस्थी जो कि ब्यावरा का रहने वाला है, इसके द्वारा अपने घर के पास ही अवैध रूप से सट्टा की पर्ची पर से सट्टा लेख किया जा रहा है। इस वजह से टीमें बनाकर दबिश दी गई। दबिश के दौरान हमारे द्वारा वहाँ से 12 लोगों को पकड़ा गया और उनसे 13,800 रुपये नकदी जब्त किया गया है। 80,000 के आसपास की इसमें सट्टा अंक पर्ची जो लिखा हुआ मिला है उसे भी जब्त किया है और आरोपीगणों को गिरफ्तार करके इसमें पुलिस द्वारा 4 का द्वितीय अधिनियम के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए राजगढ़ से नाजनी अल्ताफ की रिपोर्ट।